Okay, so very good afternoon, dear all. Today is 28th May 2022. So interesting video होने वाला है. Topic क्या है? बहुत interesting topic है. Post market analysis ऐसा सब कुछ नहीं होगा. Market crash कर गया. Okay, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका portfolio down होगा. सभी लोग होंगे जिन्होंने 18,000 पे buying करके रखी है, 18,500 पे buying करके रखी है. उनका पोर्टफोलियो सबका डाउन होगा. अब सवाल ये आता है कि और कितना, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया. तो दो तरह की ऑडियंस है. एक जिन्होंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है वो ऑलरेडी लॉस में है, ठीक है, पोर्टफोलियो डाउन है. दूसरा जिन्होंने पोर्टफोलियो अभी तक नहीं बनाया, जिनको समझ नहीं आ रहा कि हम कौन कौन से स्टॉक सिलेक्ट करें, ठीक है, पोर्टफोलियो में क्या ऐड करें क्या ना ऐड करें, ठीक है, कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, हजारों स्टॉक है सर, 10-15 कौन से स्टॉक हम खरीदें जिससे हमारा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए, मैं बात नहीं कर रहा शॉर्ट टर्म, मैं बात कर रहा हूं आने वाले 3-4-5 साल के लिए हमारा पोर्टफोलियो ग्रो करे 100% पर एनम के आरओआई से ये ग्रो करे, ठीक है. तो क्या सर ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है. तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम कि कौन कौन से स्टॉक आप अपने अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो, ओके, और कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हो, सब कुछ. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ओके. तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं धीरे धीरे चलूंगा, ठीक है. इसमें थोड़ा दो तरीके में शेयर करूंगा कि कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हो. एक जिसमें थोड़ा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, दूसरा कॉमन सेंस की जरूरत है, ओके. पहला जिसमें थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज चाहिए, दूसरा कॉमन सेंस. ऑफकोर्स कॉमन सेंस वाला ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, बट आप दोनों में ऑप्शन दूंगा, जो आपकी मर्जी हो आप वैसा कर सकते हो, ठीक है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ट्रेडर्स कम्युनिटी का जो बैच है वो स्टार्ट होगा, ओके. तो बहुत लर्निंग है उसके अंदर और आप ज्वाइन कर सकते हो. आपको पता है कि किस लेवल का उसमें डिस्कशन होता है, ओके. तो ज्वाइन कर सकते हो और उसमें लर्निंग कंटेंट दिया जाएगा जिसमें अपना पूरा टेक्निकल्स का बेसिक एडवांस प्रोफेशनल नॉलेज, फ्यूचर्स ऑप्शंस, इलियड वेव, ये पूरा का पूरा नॉलेज अपने गेन करेंगे, ठीक है. और लाइव मार्केट में एक्टिव रहेंगे 9 to 3:30 और डिफरेंट स्ट्रेटजीज प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. चलो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, ठीक है. तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि मार्केट का ओवरऑल कंडीशन क्या है, ठीक है. दुनिया में किसी को नहीं पता कौन सा टॉप है कौन सा बॉटम है, किसी को भी नहीं पता. जिसको पता किसी को नहीं है, हो सकता है कोई तुक्का लगा रहा है उसका सही बैठ जाए, ठीक है. तो दुनिया में किसी को नहीं पता कब मार्केट ने बॉटम बनाया कब मार्केट ने टॉप बनाया, पर हम एक व्यू जनरेट कर लेते हैं. जैसे मान लो हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हम इंडिया के ऊपर बैट कर रहे हैं कि यार इंडिया आने वाले 5-10-15 साल में ग्रो करेगा, ठीक है. तो इंडिया के ऊपर बैट कर रहे हैं और इंडिया ग्रो करेगा, ठीक है. तो अब अगर इंडिया ग्रो करेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक्स भी बढ़ेंगे. ऑफ कोर्स हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो ज्यादा तेजी से ग्रो करें, ठीक है. तो अगर जैसे मार्केट बढ़ रहा है 10% तो ये बढ़ रहा है 30-40%. तो क्या सर ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. तो पहली स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप ये हुआ कि ये मार्केट के बारे में एक लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए कि जनरल व्यू क्या चल रहा है, ठीक है. तो अपन स्टार्ट उसी से करते हैं. मैं आपको यहां पर मार्केट का थोड़ा सा व्यू देता हूं, ठीक है. चलो अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, ओके. यहां पर मैं एक इंडिकेटर यूज करूंगा जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट इंडिकेटर है और जितने भी ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं, जितने भी ट्रेंड फॉलोअर्स हैं उनका ये फेवरेट इंडिकेटर होता है, ठीक है. एक ही इंडिकेटर है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड, और सुपर ट्रेंड के बेसिस पर ही अपने डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक ऐड करने, ओके. तो सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है, मुझे नहीं पता, मुझे क्या, इनफैक्ट दुनिया में किसी को नहीं पता कि ये निफ्टी ने बॉटम बनाया है या नहीं बनाया, किसी को नहीं पता. बट अगर देखा जाए, जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और अगर मार्केट 10-15% करेक्ट हो जाए तो वो हमारे लिए, हम बोलते हैं कि सबसे अच्छी बात है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हम 18,500 पर इन्वेस्ट करें, हम चाहते हैं बॉटम पर इन्वेस्ट करें, ठीक है. तो अभी देख लो मार्केट जो है अपने हाई से
अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास करेक्ट हो चुका और ये बिल्कुल सही सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, कोई ये ना समझे 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मैं बात कर रहा हूं 5 साल 10 साल 15 साल, ओके, इस लेवल की बात कर रहा हूं मैं। तो ये बिल्कुल सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। अब यहां पर क्योंकि वीडियो का फ्लो ना बिगड़े, मैं छोटा सा सुपर ट्रेंड का नॉलेज दे रहा हूं। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड का नॉलेज मिल जाएगा आपको, तो उसके बाद आपको एकदम वीडियो अपना फ्लो में चलेगा। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आप लगा सकते हो। मैंने यहां पर सुपर ट्रेंड कौन सा यूज करा है, 10-2 10-2। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू शेयर करता हूं। अगर सुपर ट्रेंड रेड हुआ है, इसका मतलब मार्केट बेयरिश है। सुपर ट्रेंड अगर ग्रीन, सपोज यहां पर ग्रीन सिग्नल दिया, यहां पर सिग्नल दिया सुपर ट्रेंड ने ग्रीन, ठीक है, तो यहां पर लग रहा है मार्केट अब ऊपर जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर सुपर ट्रेंड ने रेड सिग्नल दिया रेड, तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दिया, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा। यहां पर बाय सिग्नल दिया, पर कभी कभी एक डिसएडवांटेज है इसका, जब मार्केट साइडवेज होता है, मतलब जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, उस केस में ये गलत सिग्नल देता है। बट जो ट्रेंड फॉलोअर्स हैं वो इसके हेल्प से, अब चलो मान लो फॉर एग्जांपल ये देखो यहां पर इसने सिग्नल दिया बाय का और देखो क्या भगा। ठीक है, और दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर इसने कोविड के टाइम की बात करें, अगर कोविड के टाइम पे ये देखो, यहां पर इसने सिग्नल दिया बाय का, यहां पर इसने सिग्नल दिया बाय का, और आप देख लो क्या रैली आया, देख रहा हूं क्या रैली आया है। तो सुपर ट्रेंड के बेसिस से हम जज कर सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ओके, तो सुपर ट्रेंड 10-2 अभी यहां पर अगर पॉजिटिव होता है, और जिसके हाई चांसेस है यहां पर पॉजिटिव हो जाए, तो इन केस हाई चांसेस है कि यहां पर ट्रेंड रिवर्सल हो गया और निफ्टी जो है ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, मतलब वापस से ये 18,500 तक जा सकता है। ठीक है, मैं आपको पूरा जो भी आपके डाउट्स होंगे, ठीक है, मैं आपको सब, मुझे पता है कि मन में बहुत डाउट आ रहे होंगे। क्या डाउट आ रहे होंगे कि सर अगर सुपर ट्रेंड वापस से नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव होने के बाद वापस से नेगेटिव हो गया तो, ठीक है, वो बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, तो मैं सब चीजें क्लियर करूंगा। ओके, कि कितना क्या इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रांचेस में करना है, कितना ट्रांचेस में करना है, सब कुछ डिस्कस होगा। पहले मैं बात कर रहा हूं स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, मैं कितना पोर्शन करना है उसकी बात मैं धीरे धीरे आगे करूंगा। ओके, ठीक है, तो पहले तो मार्केट का व्यू, एक और व्यू देखते हैं मार्केट में। ये देखो, मार्केट में अगर आप बात करोगे तो एकदम बॉटम, ट्रेंड लाइन के बॉटम पे खड़ा है, आप देख रहे हो, ये एकदम ट्रेंड लाइन के बॉटम पे खड़ा हुआ है, मतलब ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यहां पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ये वीकली चार्ट में सुपर ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है, ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब हाई चांसेस है अगर यहां से सपोर्ट लिया तो ये ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब निफ्टी अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल पर है और सुपर ट्रेंड इसमें पॉजिटिव हो गया तो बहुत अच्छा चांस है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का। ठीक है, चलो ये हुआ मार्केट का व्यू। अब देखो, सबको पता है ये बात कि मार्केट 2025 में 2030 में ऊपर के लेवल से टेस्ट करेगा, 25,000-30,000 आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट 5,000 आ जाए, 4,000 आ जाए, 2,000 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कहते हैं ना, मार्केट में जो है, जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिस्क क्या है, सिर्फ जीरो तक है। आप समझो, 16,300 से, मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं, ऐसा होगा नहीं। रिस्क क्या है कि 16,300 से वो जीरो आ जाएगा, पर अपॉर्चुनिटी क्या है, वो 16,000 से 50,000 भी जा सकता है, 30,000, 1,00,000 भी जा सकता है। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं लॉन्ग टर्म विजन की बात कर रहा हूं, 2050-2060। ठीक है सर, इतने टाइम तक तो जिंदा ही नहीं रहेंगे हम। अरे, हो सकता है आपके बच्चे हो, आपके बच्चे के बच्चे हो, वो तो रहेंगे ना। तो अगर आप इनकेस आज अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, तो इमेजिन करो 2040-50 में आपका क्या वेल्थ होगा।
ठीक है। तो ये जो पूरा वीडियो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं अपने, ठीक है, अपने बात नहीं कर रहा है शॉर्ट टर्म पीरियड की, अपने बात कर रहा है लॉन्ग टर्म पीरियड की, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आपने देखा होगा अभी कितना केस चल रहा है म्यूचुअल फंड के ऊपर कि वो एक्सिस बैंक के एक्सिस म्यूचुअल फंड जो है उनके दो मैनेजर्स को आई थिंक निकाल दिया गया। तो ये लोग, आप मुझे बताओ क्या आप अपना पैसा किसी और को मैनेज करने कैसे दे सकते हो? आपको क्या चाहिए? बस थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, ठीक है। आप क्या सोचते हो? मुझे नॉलेज नहीं चाहिए, कोई मेरे लिए करके दे दे बस। अरे बहुत सिंपल है, लिटरली आप मानोगे नहीं इतना सिंपल है। आप वीडियो के बाद तक आप देखो क्या रहा है कि पोर्टफोलियो बनाना इतना सिंपल है, फिर हम क्यों म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं? ओके, वो लोग सिर्फ आपके पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सही रिटर्न तो आप खुद ही जनरेट कर सकते हो, बस दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, सुपर ट्रेंड और थोड़ा बहुत नॉलेज ओवरऑल मार्केट कंडीशंस का, बस। और कुछ नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, लाइक ठोकते रहना बस। चलो, तो मैंने अभी नॉलेज दिया आपको निफ्टी का, हाँ थोड़ा वेट कर सकते हो, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होने का वेट कर सकते हो, ठीक है। यहां पर मुझे थोड़ा पॉजिटिविटी तो दिख रहा है, अगर आप देखोगे ये ऊपर जाके नीचे जाके, ये देखो इसके कंपैरिजन में हायर लो बनाया, हायर लो बनाया, तो जो लोज हो रहे हैं लोज वो हायर लोज होते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, जो लोग टेक्निकल में इतना नॉलेज नहीं रखते वो ये थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। हायर लोज का मतलब है कोई चीज बढ़ रही है वो धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर दी, जैसे मान लो निफ्टी ने लो मारा इस लेवल पर, फिर लो मारा इस लेवल पर, फिर लो मारा इस लेवल पर, तो अब ये हायर लोग बन गए और ये कंसोलिडेशन चल रहा है और इसके बाद एक ब्रेकआउट आएगा तो ये फाड़ के ऊपर जा सकता है, ठीक है। ठीक है सर, फर्स्ट पॉइंट समझ गए, मार्केट कंडीशन, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट कंडीशन देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा सर, इतने सारे सेक्टर हैं, इतने सारे स्टॉक है, किसमें इन्वेस्ट करें, किसमें इन्वेस्ट करें? अब मैं यहां पे ओपन कर रहा हूं निफ्टी इंडाइसिस, niftyindices.com, ठीक है। मैं एक एक चीज शेयर करूंगा आपसे कि आप कैसे अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। आपने सर्च करा niftyindices.com पे जाओगे, निफ्टी इंडाइसिस, इसमें आप सर्च करोगे, ये देखो यहां पर आएगा, इंडाइसिस में जाओगे आप, ब्रॉडर ब्रॉड बेस्ड इंडाइसिस पे जाना, ठीक है। इंडाइसिस पे जाने के बाद ब्रॉड बेस्ड इंडाइसिस पे जाना और निफ्टी 50 पे जाना, निफ्टी 50 पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि निफ्टी 50 में किसका क्या परसेंटेज है, किसका क्या परसेंटेज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में फाइनेंशियल सर्विसेज का 34.82% है, ठीक है। निफ्टी 50 में आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 16.15% है, ठीक है। और देख लो निफ्टी 50 में और क्या क्या है, सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद हेल्थ केयर का 4.6% है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किसका क्या शेयर है, किसका क्या शेयर है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो, जैसे यहां पर जैसे बात करें, मैं इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं विजिबल क्लियर है नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट वन सेकंड, ओके ठीक है, अब सही दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे फाइनेंशियल सर्विसेज का 34.82% है, आईटी का 16.15% शेयर है, ठीक है, ओएनजीसी का, ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स का 14.62% है, एफएमसीजी का 7.75% है। अब आपको क्या मिला, निफ्टी में से आपको सेक्टर्स मिल गए, निफ्टी में आपको सेक्टर्स मिल गए, ओके। चलो बात करते हैं आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर की बात करते हैं, तो सबसे पहले निफ्टी देखा, अब निफ्टी के बाद देखेंगे यार आईटी सेक्टर कैसा है, तो आईटी सेक्टर के चार्ट्स पर आओ, आईटी सेक्टर के चार्ट्स पर आओ। से मैंने सर्च करा निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी, ठीक है, निफ्टी आईटी का चार्ट मैंने ओपन किया, तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, वही फिर से वही फॉलो करना है, क्या सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, क्या देखो सुपर ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, यहां पर सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ था, सुपर ट्रेंड 10-2 यहां पर नेगेटिव हुआ था, और देखो सुपर ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव नहीं हो पाया, यही तो खास बात है सुपर ट्रेंड की,
यही खास बात है। और अगर सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी आईटी सर, अभी यहां पर सुपर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए? अभी यहां पर वेट करना चाहिए, ठीक है। आप रडार में रखो, रडार में रखो कि निफ्टी आईटी, क्योंकि देखो निफ्टी भगेगा तो निफ्टी आईटी भी भगेगा। अभी देखो निफ्टी में दो दिन से रैली आया है, निफ्टी में दो दिन से रैली आया है और आईटी सेक्टर में भी दो दिन से रैली आया है। अब देख लो, कल भी ये 2.54% अप था और डे बिफोर यस्टरडे भी ये अप था। तो निफ्टी भगेगा तो ये सब भगेंगे, ओके। तो एक आपने देखा आईटी सेक्टर, अब आईटी सेक्टर में आपने देखा कि यार अभी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ तो ये आपके रडार में कि जब होगा हम इसमें पोजीशन बनाना क्रिएट करेंगे। चलो अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इसमें सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, मान लेते हैं सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो थर्ड स्टेप आपको क्या करना है? थर्ड स्टेप आपको करना है, यहां पर गए वापस से, आपने आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को ओपन करना है, ठीक है। अब आपने देखना है आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा किसका शेयर है? इंफोसिस, इंफोसिस। तो वापस से क्या करना है आपको? आपको इंफोसिस का चार्ट ओपन करना है। यहां पर इंफोसिस का चार्ट ओपन किया आपने, इंफोसिस का चार्ट ओपन किया, ये देखो। तो क्या इंफोसिस में भी अभी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है? नहीं है। तो क्या करना है? रडार पर रखना है एकदम से, नहीं किसी को नहीं पता बॉटम क्या है टॉप क्या है, आपको रडार पर रखना है। जैसे ही सुपर ट्रेंड टेन टू पॉजिटिव होता है आपको पोजिशन क्रिएट कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो आईटी सेक्टर में एक होगा इंफोसिस, दूसरा जो हाईएस्ट है वो है टीसीएस। टीसीएस देख लो, क्या टीसीएस देख लो, टीसीएस एक बार, टीसीएस। तो टीसीएस में अभी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ, क्या करना है? अभी अवॉइड करना है, ठीक है। हमें नहीं पता, हो सकता है, देखो ये भी पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा वापस से फॉल आ जाएगा। तो जब तक सुपर ट्रेंड पॉजिटिव ना हो जाए तब तक प्लीज कोई पोजिशन मत बनाना, क्योंकि सुपर ट्रेंड ट्रेंड फॉलोअर्स का फेवरेट इंडिकेटर है। मतलब शादी कर ली है इससे, सुपर ट्रेंड से, जो ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रेंड पकड़ते हैं, ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड, ठीक है। तो ये हुआ अपना सेक्टर वाइज बात। चलो जैसे आईटी सेक्टर का मैंने एग्जांपल लिया, दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज का लेते हैं, ओके। फाइनेंशियल सर्विसेज में अपना से देख लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फिन सर्विसेज के नाम से होगा आई थिंक, हाँ ये होगा सीएनएक्स फाइनेंस। अब देखो इसका चार्ट ओपन करते हैं, ये देखो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। कब हुआ? डे बिफोर यस्टरडे। तो यहां पर अब आप देख लो जैसे आपने देखा कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, ठीक है। अब इसमें स्टॉक देख लो किसका सबसे बड़ा परसेंटेज है, एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक देख लो, हम लोग ट्रेडर्स कम्युनिटी में ऑलरेडी जब ये सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था मतलब थर्सडे के दिन यहां पर ऑलरेडी पोजिशन क्रिएट करके रखी है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। ट्रेडर्स कम्युनिटी वालों को पता होगा कि यहां पर ऑलरेडी पोजिशन क्रिएट करके रखी है। तो एचडीएफसी बैंक सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है डेली टाइम फ्रेम पे, ये जाएगा। देखो नहीं पता बॉटम क्या है पर लॉन्ग टर्म के लिए हमने एकदम नीचे के लेवल्स पर खरीदी करी है, ठीक है। अब अगर ये गया ऊपर ऑल टाइम हाई पर गया तो सबसे बेस्ट बात होगी ये कि हमने सही टाइम पे इसको कैप्चर किया। तो मैं बार बार बोल रहा हूं सुपर ट्रेंड से मस्ती मत करना, ठीक है। सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाएगा, सुपर ट्रेंड नेगेटिव है तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। हाँ कभी कभी वॉलेटिलिटी के कारण हो सकता है थोड़े बहुत फेक सिग्नल आए, पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो यार, आपको वॉलेटिलिटी से क्या करना, आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है, ओके। तो ये आया अपना एचडीएफसी बैंक, देख सकते हो। उसके बाद दूसरा क्या है, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक। तो देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक में क्या हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ये देखो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें एक मैंने हार्मोनिक पैटर्न भी बनाया हुआ है जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये 848 के लेवल पर टेस्ट करेगा, ठीक है। 848 के लेवल पर आने वाले टाइम में आईसीआईसीआई बैंक जाएगा, ठीक है। तो ये भी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है तो यहां पर ये ब्रेकआउट आएगा तो जोर का मूव आएगा तो यहां पर भी पोजिशन बना सकते हो, ठीक है। तो एकदम बेस्ट टाइम है अभी इन्वेस्ट करने का, मार्केट 15% डाउन है,
ओके, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो जहां पर सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है डेली टाइम फ्रेम पे और वो मोमेंटम देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये पूरा एक आप खुद पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आईटी सेक्टर हुआ, फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, अब एफएमसीजी में देख लो, एफएमसीजी में जैसे बात करें आईटीसी, आईटीसी 3% का इसमें और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो दो सबसे बड़े स्टॉक है। तो देख लो एक बार आईटीसी में क्या चल रहा है, ये देखो एकदम परफेक्ट, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है और सुपर ट्रेंड पर सपोर्ट ले रहा है, तो ये भी परफेक्ट लेवल है बाय करने के लिए, ठीक है, परफेक्ट लेवल है बाय करने के लिए। तो यहां पर भी लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको देख सकते हो, ओके। और ये देखो सुपर ट्रेंड यहां पर पॉजिटिव हुआ था, लोग आईटीसी को मस्ती समझ रहे थे, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, क्या रैली आया, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी के कारण कभी कभी आपको फॉल्स सिग्नल देखने को मिल सकते हैं, बट वही है, आप कमाओगे तो जोर का कमाओगे, गवाओगे तो बहुत लिमिटेड अमाउंट गवाओगे, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल शेयर करता हूं, ठीक है। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर सुपर ट्रेंड तो कभी नेगेटिव भी हो सकता है, फिर क्या करना है। चलो एक अजम्पशन लेते हैं, ठीक है। मान लो आपने सुपर ट्रेंड को देख के यहां पर आईटीसी को बाय किया, ठीक है, कि ये ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हुआ है, आपने बाय किया, ये ऊपर भी गया, आपको फायदा मिला, ये नीचे आया, यहां पर आपको लॉस हुआ होगा थोड़ा सा, आप काट के निकल गए होगे क्योंकि आप सुपर ट्रेंड के भक्त हो, आप इसको ब्लाइंडली फॉलो करते हो, ठीक है। और मुझे लगता है करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, आप यहां पर काट के निकल गए, आपको लॉस हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, लॉस हो गया। वापस से आपने सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, यहां पर एंट्री ली, और अब आप बताओ, जब सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ तो क्या आप इसमें छाप के नहीं निकलोगे क्या? आप देख लो यहां पर पॉजिटिव हुआ और अभी तक यहां पर नेगेटिव हुआ था, यहां पर नेगेटिव हुआ था, तो क्या आप 225 से लेकर 256 तक छापा नहीं होगा आपने, ठीक है। और चलो इन केस आपने यहां पर बाय भी कर लिया तो अभी भी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव ही है, आप समझो बात को क्या चल रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड ट्रेंड फॉलोअर्स के लिए, ठीक है। तो मैंने अभी एलोकेशन नहीं बताया, मैं सिर्फ अभी ये बता रहा हूं कि स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले मार्केट देखो, निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, ओके। उसके बाद मार्केट पॉजिटिव लगता है तो सेक्टर पे आओ, सेक्टर के लिए आप क्या देख सकते हो, niftyindices.com, ठीक है। उसमें आपको आईटी सेक्टर, अपना एफएमसीजी, उसमें आप ऑटोमोबाइल, ठीक है, उसमें हेल्थ केयर, ये सब देख सकते हो, और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे सेक्टर देख सकते हो। सेक्टर्स के साथ साथ उनका एक बार चार्ट भी देख लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ निफ्टी एफएमसीजी, ओके। तो ये देखो निफ्टी एफएमसीजी, अब यहां पर देखो, यहां पर सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो क्या है ये, अभी अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, हो सकता है ये ऊपर चला जाए और वापस से 42,000 के लेवल्स देखने को मिल जाए, तो आपको सेक्टर के साथ साथ उनके चार्ट भी देखना है। जैसे आईटी सेक्टर में सुपर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है तो अभी आईटी सेक्टर को आप कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हो, बट रडार में रखना, ऐसा नहीं है छोड़ ही दिया उसको, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया तो भी एंट्री नहीं लिया, वो भागता हुआ चला गया, बाद में रिग्रेट कर रहा है, हुआ क्या, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, एंट्री ले सकते हो। फिर देखते हैं आगे क्या, तो ऐसे सेक्टर्स पे जाके आप देख सकते हो। अब जैसे कि मैं एक और एग्जांपल शेयर करता हूं एफएमसीजी में, जैसे हमने अभी जुबिलेंट फूडवर्क्स ऐड करा ट्रेडर्स कंपनी चैनल पर, ठीक है, जुबिलेंट फूडवर्क्स कल ही ऐड किया, 505 के लेवल पर ऐड किया। तो सपोज यहां पर जुबिलेंट फूडवर्क्स नहीं दिख रहा, एफएमसीजी में है, आपको और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने कि यार और एफएमसीजी में कौन कौन से स्टॉक्स है, आप क्या कर सकते हो, आप एफएमसीजी का मनी कंट्रोल पे जाके पूरा कंपोनेंट्स देख सकते हो कि इस इंडेक्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ठीक है। और यहां पर जाने के बाद, एफएमसीजी में जाने के बाद, ये देखो आप यहां पर कंपोनेंट्स के बारे में सर्च कर सकते हो, ये देखो ये कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स पे जाने के बाद यहां पे क्लिक करोगे सी मोर, तो यहां पर आपके एफएमसीजी में जितने स्टॉक्स हैं, जितने कंपोनेंट्स हैं, सब आ जाएंगे, ब्रिटानिया, कोलगेट, डाबर, इमामी, गोदरेज, एचयूएल, आईटीसी, जुबिलेंट फूडवर्क्स। हमने जुबिलेंट फूडवर्क्स ऐड किया है, ठीक है, जुबिलेंट फूडवर्क्स, मैं आपको उसका चार्ट दिखा देता हूं। देखो एक्चुअल में ना वर्क करती है चीजें, ये देखो जुबिलेंट फूडवर्क्स
505 पर जब ये सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था इस लेवल पर हमने ऐड किया और अभी 2% अप है, 505 516 पे क्लोज हुआ है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। ठीक है, हमें नहीं पता बॉटम क्या है बट हमने पकड़ा है और हो सकता है ये आने वाले 5 साल 3 साल 4 साल में ये वापस से 923 के लेवल पे जाए। ठीक है, या हो सकता है अगले साल में चला जाए, कोई भरोसा नहीं है मार्केट्स का। देख रहा हूं मार्केट में कितनी तेजी से रैली आती है और रैली आती है तो स्टॉक डबल ट्रिपल हो जाता है, ठीक है, विद इन 4 months 5 months। ओके, ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको अगर और स्टॉक्स देखने हैं तो आप इंडेक्स कंपोनेंट्स पे जाके एक एक स्टॉक को सर्च कर सकते हो कि किसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। ओके, सुपर ट्रेंड 10-2 यूज करना है, 10-2। ठीक है, ये हुआ पहला पॉइंट। मैंने बोला ना दो ऑप्शन है, ये हुआ पहला ऑप्शन जहां पे थोड़ा टेक्निकल्स का नॉलेज चाहिए, ठीक है, सुपर ट्रेंड का नॉलेज चाहिए और वैसे मैंने नॉलेज दे दी आपको, तो अब आप इसके बेसिस पर अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जहां पे मैं कॉमन सेंस की बात करूंगा, कॉमन सेंस की, ठीक है, आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। प्लीज कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको डायरेक्टली उसका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8109149175। ओके, कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, क्योंकि अभी लाइव स्ट्रीम नहीं चल रहा ना ये, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके मन में क्या क्या डाउट है, तो कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे इसमें टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं इस कॉन्टेक्ट नंबर पर, या फिर कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। ओके, बस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। चलो, ये हुआ ऑप्शन नंबर वन जहां पे मैंने बात किया थोड़ा टेक्निकल्स का। अब मैं आता हूं ऑप्शन नंबर टू जहां पर मैं बात करता हूं एकदम कॉमन सेंस की। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, मार्केट अगर 15% गिरा है, मार्केट अगर 15% गिरा है अपने टॉप से, 15% गिरा है, और कोई स्टॉक अपने टॉप से 5% 4% गिरा है, तो मुझे बताओ, आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके आप खुद सोचना, तो मुझे आंसर दो, क्या आप ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहोगे? मार्केट अगर 15% गिरा है और स्टॉक जो है वो 5, 6, 7, 8, 10% गिरा है, मतलब वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो क्या ऐसे लीडर्स को आप अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहोगे? बिल्कुल रखना चाहेंगे, बिल्कुल रखना चाहेंगे। तो कॉमन सेंस वाली बात है, क्यों नहीं रखना चाहेंगे? जब मार्केट 15% गिरा है, स्टॉक मैंने 3%, 4%, 5%, 10% गिरे, तो मैं उनको क्यों नहीं रखूं? वो तो मेरे सबसे बड़े लीडर हैं पोर्टफोलियो के। तो अगर मार्केट बाउंस करेगा तो ये स्टॉक तो तेजी से बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसे स्टॉक्स का लिस्ट बताने वाला हूं जो कि अपने 52 वीक हाई से 4, 5, 6%, 7%, 2%, 3% गिरे हुए हैं और ये कभी भी फट सकते हैं ऊपर साइड और इसमें मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करना है आपको। इसमें आपको एक अपना स्कैनर है, स्टॉक एज पे जाके आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, stockedge.com पे जाके आप सर्च कर सकते हो और यहां पर सर्च करके यहां पर जाओगे आप कैनलिस्टिक स्कैन में जाओगे आप, लोड हो रहा है, कैनलिस्टिक स्कैन में जाने के बाद वापस से बैक आ जाना। ठीक है, वापस से बैक आ जाना, यहां पर जाना आप प्राइस स्कैन में जाओगे आप, यहां पर आप देखोगे 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन पे जाना आप, और यहां पर आप सर्च, यहां पर जाना क्लोज एंटरिंग 52 वीक हाई जोन, और ये वो वाले स्टॉक आ जाएंगे जो अपने 52 वीक हाई से कितना डाउन है, से 13%, 13%, ओके 14%, ये इतना। ठीक है, एक और स्कैनर है, इसको भी देख सकते हो। पहले मैं दोनों स्कैनर के बारे में डिस्कस कर लूं। क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, ये दो स्कैनर है, क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, क्लोज एंटरिंग 52 वीक हाई जोन। तो पहले देखते हैं क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। तो ये देखो, ऐसे स्टॉक जो 52 वीक हाई से 1.3% डाउन है, 3% डाउन है, ओके 2.7% डाउन है, 4.7% डाउन है, ये कोरोमंडल, ठीक है, ईट पैरी 3.8% डाउन है, रत्नमणि मेटल्स 3.8% डाउन है,
ओके अडानी पावर 4.6% डाउन है, आईटीसी, तो ऐसे स्टॉक तो मेरे पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल देखता हूँ चार्ट के थ्रू। जैसे बात करते हैं ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट कितना डाउन है 1.3%। ब्लू डार्ट का चार्ट देखते हैं, ब्लू डार्ट अभी देखो, ब्लू डार्ट में सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर ये फटा तो ये बहुत जोर का ऊपर के लेवल जाएगा। ये देखो आप एकदम परफेक्ट लेवल पर है, यहां पर अगर आप देखोगे ये ऊपर आया। ठीक है, यहां पर कंसोलिडेशन चल रहा है, तो कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न भी दिख रहा है, तो हो सकता है इसके टारगेट जो है, पहला टारगेट हो सकता है अपना ये लेवल, ये 8100 के आसपास, और जो दूसरा टारगेट हो सकता है अपना वो हो सकता है अप्रोक्सीमेटली, वो हो सकता है अपना 8990। ठीक है, तो ये अभी नहीं जाएगा, ये जब मार्केट बाउंस मारेगा ना, जब मार्केट जाएगा से अपना वापस से 17,500-18,000 के लेवल पर, तब आपको ये 9,200-10,000 तक देखने को आराम से मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको बाद में रिग्रेट होगा, ये सस्ता मिल रहा था उस टाइम पे खरीदा क्यों नहीं। ठीक है, और एक बात बता देता हूं मैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको जो शेयर किया जा रहा है वो एकदम नॉलेज के लिए शेयर किया जा रहा है। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो और अपने जो है सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट लेके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ आपको जो भी चीज शेयर कर रहा हूँ वो नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो कि आपका पैसा कोई और मैनेज कर रहा है। ओके, ठीक है, तो जैसे और देखते हैं एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देख लेते हैं, एचएल को देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, तो ये भी 52 वीक हाई के ऊपर ही चल रहा है और इसमें भी मोमेंटम आएगा, इसका वीकली चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये भागेगा ऊपर, भाग सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। हाँ, पर एक बात ध्यान रखना है, जैसे सुपर ट्रेंड अगर नेगेटिव होता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट नीचे आया, सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ, एक बार को निकल जाना और वापस से अगर सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा, वापस से एंट्री कर लेना। मैंने अभी एग्जाम्पल शेयर किया ना आईटीसी का, लॉस कम होगा बट जो ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं वो ओवरऑल कमा के ही निकलते। ठीक है, तो ओके, जैसे कोरोमंडल को देख लेते हैं एक बार। देखो कोरोमंडल कितना बढ़िया है, अगर आपको सुपर ट्रेंड पे अगर कोई एंट्री मिलती है ना, सपोज सुपर ट्रेंड पे आया और यहां पर अगर कोई एंट्री मिलती है ना, सबसे बेस्ट लेवल है एंट्री लेने के लिए, सबसे बेस्ट लेवल। ठीक है, तो कोरोमंडल भी जाएगा, हो सकता है जाएगा, ये देखो एकदम परफेक्ट लेवल पर आ गया, तो अगर ये यहां पर थोड़ा बहुत टाइम पास करेगा और अगर ये गया तो ये जोर का मूव आएगा, पकड़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, चलो एक स्कैन तो हुआ है ये कि जो 52 वीक क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, एक जो 52 वीक हाई की रेंज में एंटर करें, कौन से स्टॉक है, जैसे आइनॉक्स लीजर का एक बार चार्ट देखते। ठीक है, अब ये देखो, अभी इसमें सुपर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है, तो अभी इसको थोड़ा वेट करो, जब इसमें सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा ना, इसमें मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, आप देख सकते हो डेली बेसिस पर, ट्रैक कर सकते हो, जहां ये सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ आप वापस से एंट्री कर सकते हो। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक देख सकते हो आप, कोटक महिंद्रा बैंक सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, 1946 पे चल रहा है, तो ये सब जाएंगे ऊपर, ये सब अपने ऑल टाइम हाई पर जाएंगे। ठीक है, ये धीरे धीरे जाएंगे, आप देखते रहोगे और ये पहुंच जाएंगे, फिर आपको लगेगा यार वो सही टाइम था मई में इन्वेस्ट करने का, जब मार्केट 15% करेक्ट हुआ था, क्योंकि ऐसे मौके आपको मिलते नहीं है। ओके, तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो पहला जो पोर्शन हुआ वो हुआ स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूँ, स्टॉक सिलेक्शन में दो प्रोसेस देखे हमने, एक पहले हमने देखा कि थोड़ा टेक्निकल्स के बेसिस पे, दूसरा हमने कॉमन सेंस के बेसिस पे। ठीक है, टेक्निकल्स के बेसिस पर आपको क्या करना है, पहले ओवरऑल मार्केट देखना है, मार्केट देखने के बाद आपको सेक्टर्स पे जाना है, सेक्टर्स का चार्ट देखना है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ तो वो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है,
सेक्टर्स के अंदर स्टॉक देख लो, जैसे आईटी की बात करी तो इंफोसिस टीसीएस दो बड़े नाम है, ठीक है, तो इंफोसिस और टीसीएस का स्टॉक देख लो, ठीक है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ तो ऐड कर लो, नहीं हुआ तो वेट करो, ठीक है। हाँ, आप दूसरे स्टॉक भी देख सकते हो, जैसे मैंने एफएमसीजी का एग्जांपल लिया, एफएमसीजी में जैसे हमने जुबिलेंट फूड ऐड किया, ठीक है, हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा था तो हमने ऐड कर लिया, ओके। दूसरा चीज जो आपने डिस्कस किए वो कॉमन सेंस वाला डिस्कस किए कि जो स्टॉक मार्केट अगर 15% गिरा है और स्टॉक 10% 12% 13% 4% 5% गिरे अपने 52 वीक हाई से दूर है, मतलब वो ज्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो उसका एक हमने स्कैनर डिस्कस किया स्टॉक एज में, आप उसके बेसिस पर स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो बात हो गई स्टॉक सिलेक्शन की बात हो गई, अब कितना परसेंटेज कितना क्या एलोकेट करें सर, वो बताओ कितना क्या एलोकेट करें, क्या पूरा एक साथ एलोकेट कर दें या ट्रांचेस में एलोकेट करें, कैसे क्या करें, एक बार बता दीजिए। देखो अगर 100% है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अलग अलग ट्रांचेस में इन्वेस्ट करा करिएगा। जैसे हमें अभी भी नहीं पता मार्केट का बॉटम क्या है, नहीं पता हमें, ठीक है, तो आप से कर सकते हैं से मान लो अभी 60% इन्वेस्ट कर दिया, देन फिर रेस्ट 20% कर दिया, फिर 20% इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो डिप पर इन्वेस्ट करते जाना है। 60% अभी परफेक्ट लेवल है, डिप है, यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर इन केस फ्यूचर में और डिप आया तो 20% और इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, बट सर डिप नहीं आया तो कोई बात नहीं, 60% तो है ना, 60% तो है ना, यही ग्रो होगा, ठीक है, इस बाकी इस 40% को धीरे धीरे करना, धीरे धीरे, ठीक है, जब मार्केट पता चल जाए कि और ऊपर के लेवल्स पे जाता जाएगा, पिरामिडिंग करते जाना। एक होता है कि नीचे के लेवल्स पर एवरेजिंग करते जा रहे हैं, एवरेजिंग, ठीक है, एवरेजिंग मतलब क्या, मार्केट गिरा बाय कर लिया, मार्केट और गिरा बाय कर लिया, जैसे यहाँ पे 60% किया, गिरा 20% और बाय कर लिया, उसे बोलते हैं एवरेजिंग, 20% मतलब और गिरा 20% बाय कर लिया, उसे बोलते हैं एवरेजिंग, ठीक है। एक होता है पिरामिडिंग, पिरामिडिंग क्या होता है कि मार्केट बढ़ता जा रहा है, हम अपनी पोजीशन और बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब मार्केट गया हमने 60% किया, ठीक है, ऐड किया, मार्केट और बढ़ा, हमने देखा मार्केट बढ़ रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, 20% ऐड किया नीचे जाने का, फिर हमने देखा कि मार्केट और बढ़ रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं है नीचे जाने का, 20% ऐड किया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा पिरामिडिंग आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं पिरामिडिंग रिकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ आप एवरेजिंग जरूर कर सकते हो। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल अभी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, आपने 60% ऐड करा, ठीक है, इन केस सुपर ट्रेंड वापस से नेगेटिव हो गया निफ्टी में, ठीक है, और फिर जाके थोड़े टाइम बाद वापस से पॉजिटिव हुआ, तो आप 20% और ऐड कर सकते हो। तो मैं वैसा कहने का मतलब है, ठीक है, अब क्या सुनना, अब आपने 100% में से दो पोर्शन करने हैं आपको, 60-40 या 55, 60% या 40%, या आप कर सकते हो 55% या 45%, ठीक है, कोई भी परसेंटेज आप ले सकते हो, कोई रूल नहीं है कि आपको यही लेना है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, 50-50 भी ले सकते हो, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं सिर्फ एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूं। इन 55% या 60% में आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अपने ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई से 15% के नीचे, मतलब 15% के अंदर है, जैसे मार्केट कितना गिरा है 15%, तो सपोज वो 10% तक डाउन है, ठीक है, ऑल टाइम हाई से, या 9% या 8% या 7%, तो ऐसे स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई से कम दूरी पर है या 52 वीक हाई से कम दूरी पर है, आप उसमें 55% से 60% तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो मार्केट लीडर है, अगर निफ्टी बाउंस करेगा तो ये तो बहुत जोर से बढ़ेंगे, ठीक है, ये मार्केट लीडर्स हैं, ठीक है, एज पर चार्ट्स, एज पर टेक्निकल्स। बाकी जो 40-45% है, इसको आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, निफ्टी में, फिर अगेन इसमें से आप देख सकते हो कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, जैसे एक हुआ आईटी सेक्टर, ठीक है, एक हुआ आपका फाइनेंशियल सर्विसेस, ठीक है, और एक हुआ आपका एफएमसीजी, ठीक है, तो इसमें से अगर आप 40% करते हो, से आप 40%, तो आप इसमें से एलोकेट कर दो, या 45% करते हो तो 15%, ठीक है, तो 15% कर सकते हो, जिसमें से एक रिलायंस भी आ जाएगा आपका, रिलायंस आपका शायद ऑयल एंड नेचुरल
ऑयल एंड नेचुरल उसमें होगा आपका शायद रिलायंस। ओके एक बार देख लेते हैं। हाँ रिलायंस जो है इसमें मिलेगा आपको। ये ऑयल एंड गैस में मिलेगा रिलायंस, ठीक है। रिलायंस आपको ऑयल एंड गैस में मिलेगा। तो ये सब आप अकॉर्डिंगली सेक्टर देख सकते हो, ठीक है, जो आपको स्ट्रांग लगे। सभी सेक्टर भगेंगे, निफ्टी भगेगा, सब भगेंगे, ये बात तो पक्की है। ओके फिर उसके बाद अब आप आईटी सेक्टर में जाके, दो या तीन स्टॉक, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आप पांच स्टॉक में जाके इन्वेस्ट करो, नहीं, दो या तीन स्टॉक बस, ठीक है। से आपने देखा इंफोसिस, आपने देखा टीसीएस और आपने देखा से एससीएल, तो इनमें आप इक्वल इक्वल परसेंट एलोकेट कर दो, ठीक है। 15% अगर आप इस सेक्टर को दे रहे हो तो इसमें इक्वल इक्वल अमाउंट एलोकेट कर दो, से 35-35 ऐसा करके कुछ अपना परसेंटेज एलोकेट कर दो, ठीक है। तो एकदम बेस्ट तरीका है पोर्टफोलियो बनाने का। आप इसमें 15% दे रहे हो, दो तीन स्टॉक देखो कौन से, एचडीएफसी बैंक तो होना ही होना है, फेवरेट स्टॉक है वो एफआईआई का, ठीक है। एचडीएफसी बैंक देख सकते हो, और अपना आईसीआईसी बैंक भी देख सकते हो, या चार्ट पे जो दिख रहा है आपको स्ट्रॉन्ग वो जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे तीन स्टॉक पकड़ो और इक्वल इक्वल अमाउंट एलोकेट कर दो, तो ऐसे आपका एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा जिसमें आपको कभी किसी की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा स्टॉक ऐड करें नहीं करें, ठीक है। आप खुद से ही पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। और ये बेस्ट तरीका है कि खुद से आप अपना पैसा मैनेज कर रहे हो। और देख लेना आज का टाइम है 28 में, आप देख लेना आज से एक साल बाद देखना कि आपका पोर्टफोलियो का क्या ग्रोथ होता है 28 में 2023 को। ओके तो मार्केट भागा तो ये सब भागेंगे। जैसे आपने देखा था कि कोविड के लो से मार्केट 148% का रैली दिया था, ठीक है। जो 18,600 पे हाई आया था वो 148% भगा था, उसके बाद अब वापस से 15% करेक्ट हो गया, तो हाई पॉसिबिलिटी है यहां से वो वापस से ऊपर के लेवल्स देखने को मिले, ठीक है। मैं अगेन वापस से बोल रहा हूँ, बॉटम किसी को नहीं पता, ठीक है। हो सकता है अभी निफ्टी वापस से 14,000 पे जाए, कुछ भी हो सकता है ना, होने को क्या है, अभी कोई न्यूज आ गया, कोई नेगेटिव न्यूज आ गया, गिर जाएगा निफ्टी, क्या भरोसा निफ्टी का। ओके बट ये लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, हम इंट्राडे या स्विंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आने वाले 10 साल 15 साल की, ठीक है। जब हमें पता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा नीचे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इंडिया स्ट्रांग है। ओके सो मजा आया होगा वीडियो में, मुझे भी मजा आया, कितना अच्छा डिलीवर हुआ है। और मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, मैं काफी टाइम से सोच रहा था वीडियो बनाने का कि आपको, क्योंकि ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगर डिले हो गए ना तो पता नहीं, हो सकता है वापस से निफ्टी 17,000 पहुंच जाए, तो अपने सोच पाए कि अरे यार 16,200 था जब हम सोच रहे थे, अब तो 17,000 आ गया, अब वेट करना चाहिए गिरने का, नहीं गिरा वापस से बढ़ता चला गया, तो ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा और सीखी होगे काफी कुछ। और जो भी आपके डाउट्स हैं मैं वापस से बोल रहा हूँ, मुझे टेक्स्ट कर सकते हो आप, और वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। ओके ठीक है, तो एंड करते हैं और मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।